जोशीमठ में भूदशाव के बाद पैदा हुए हालातों में बद्रीनाथ की यात्रा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से दुहाई दी जा रही है कि चारधाम यात्रा शुरू होने में अभी वक्त बाकी है और तय वक्त पर चारधाम यात्रा पूरे इंतजामों के साथ शुरू की जाएगी, मगर परिस्थितियां कुछ और ही हालातों की तरफ इशारा कर रही हैं। सच तो यह है कि सरकार खुद असमंजस के हालातों में है और इंतजार हो रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से सौंपी जाने वाली रिपोर्ट तब आएगी, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि बद्रीनाथ की यात्रा होगी या नहीं। होगी तो फिर कैसे होगी, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा देश भर में प्रसिद्ध होने के साथ प्रदेश के पर्यटन की रीढ़ भी है। और चारधाम यात्रा शुरू होने में अब चंद महीने ही बाकी हैं। चारधाम यात्रा का आगाज बसंत पंचमी के दिन राजमहल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय होने के साथ शुरू हो जाता है। ऐसे में सरकार के पास तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए वक्त भी अब कम ही बाकी है। इस बीच चारधाम यात्रा को लेकर उठ रहे सवालों के लिए जोशीमठ में भूदशाव के बाद खड़े हुए हालात जिम्मेदार माने जा रहे हैं। जोशीमठ में भूदशाव के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर आई दरारों के कारण अप्रैल महीने में शुरू होने वाली बद्रीनाथ यात्रा को लेकर सरकार खुद असमंजस में है कि यात्रा को कराया जाए तो आखिर कैसे। जोशीमठ में भूदशाव के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर आई दरारों को 3 महीने के अंदर दुरुस्त कर पाना कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। ऐसे में सरकार वैज्ञानिकों की तरफ से मिलने वाली रिपोर्ट के इंतजार में है, ताकि बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। सरकार की चिंताएं बढ़ना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल जोशीमठ से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 17 लाख श्रद्धालु गुजरे थे और इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दरारें आई है। मौजूदा वक्त में इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कंडीशन ऐसी नहीं कि इतना भार सह सके। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक रिपोर्ट फिलहाल नहीं आई है, जबकि सरकार भी साफ कर चुकी है कि बद्रीनाथ की यात्रा पुराने रूट जोशीमठ से ही की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कह चुके हैं कि चारधाम यात्रा को तय वक्त पर शुरू किया जाएगा और जोशीमठ में चल रहे हालात इसके आड़े नहीं आएंगे। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने भी इस बात की पुष्टि की है कि बद्रीनाथ हाईवे पर कुछ जगहों पर दरारें आई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही। राष्ट्रीय राजमार्ग के धंसने की आशंका के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पहलू पर तकनीकी संस्थाओं की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। 3 से 4 हफ्ते के भीतर सरकार को ये रिपोर्ट मिलेगी और उसके बाद ही सरकार किसी नतीजे पर पहुंचेगी।